हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की और कोशिश बहुत सारा पैसे कमाने की। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि ऑडिशन में या प्रोफाइल भेजते समय कौन सा एज मेंशन करना चाहिए, फेक वाला या रियल। तो दोस्तों देखिए, एक तो आपकी एज होती है जो कुछ है, उसके बाद आपकी स्क्रीन एज होती है कि किस स्क्रीन एज में बैठते। कभी कभी कैसा होता है, कुछ किसकी एज कम 25 रहती है, लेकिन उनकी बॉडी ऐसी रहती है कि जो 32-35 साल के दिखते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जिनकी एज ज्यादा रहती है, लेकिन वो 25-26 के आसपास के दिखते हैं। तो देखिए, हर किसी का स्क्रीन एज होती है, तो अपने लुक के हिसाब से आप अपने को पहचान लीजिए। और देखिए, ऑडिशन में जा रहे हैं या प्रोफाइल भेज रहे हैं, तो एक आपकी जो एज है वो मेंशन कर दीजिए, और उसके साथ साथ आपकी जो स्क्रीन एज है वो भी मेंशन कर दीजिए। तो अगर सामने वाला डायरेक्टर बोलता है कि अगर आपकी एज 30 है तो स्क्रीन एज 25 से 30 साल में जा रहा है, तो एक काम कीजिए, 28 का एक इंट्रो बना के भेज दीजिए, या 25 का इंट्रो बना के भेज दीजिए, या 30 का है तो 30 का तो ऑलरेडी आपने बनाया रहेगा इंट्रो, तो वही भेज दीजिए। तो हर किसी का अलग अलग रहता है, तो दोनों भी एज मिनसे गए, एज लिखिए कि मेरा एज इतना है और मेरा स्क्रीन एज यहाँ से यहाँ तक है। तो सामने स्क्रीन एज जब आपको पता रहता, सामने वाला पता रहता है, हाँ चलो भाई, इसको अपने बारे में पता है कि कौन कौन से स्क्रीन एज में जाता है। तो खुद को समझिए, उसके हिसाब से अपना स्क्रीन एज बनाइए और भेज दीजिए। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो सामने वाला कास्ट आप इसका कम भी करके भेजेंगे, आपका लुक नहीं बैठा, सामने वाला कास्टिंग डायरेक्टर पहचान ले गया यार इसका लुक है नहीं, तभी इस चीज बना के भेज रहे। तो ठीक से एकदम प्रॉपर समझिए आपका स्क्रीन एज क्या है, उसके बाद भेजिए। और सामने वाले के ऊपर है उसको कौन सा लुक चाहिए, अगर आपके लुक का चाहिए तो वो आपको जरूर बताएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप जो डालना है आप डाल सकते हैं, लेकिन रियल डालेंगे तो शायद मुझे अच्छा रहेगा, उसके बाद स्क्रीन एज लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना डालता हूँ। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।